दोस्तों, दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। कई लोगों ने इसको महसूस किया है तो कई लोगों ने खुद देखने का दावा भी किया है। भूत बनकर भटकती इन आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। बहरहाल, भूतों का होना या ना होना हमेशा से एक कौतूहल का विषय रहा है। विज्ञान के युग में हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। वास्तविकता यह है कि असल जीवन में भी कई ऐसी जगह हैं जहां भूत प्रेत को लेकर बात होती रही है। ऐसी जगहें तो सैकड़ों की संख्याओं में हैं, परंतु यहां हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप रोमांचित तो होंगे ही, आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोंटे क्रिस्टो रियासत, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक भूतिया और डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। इसकी वजह वर्ष 1885 में इसके निर्माण के बाद से यहाँ घटी कई घटनाएं हैं। निर्माण के बाद मोंटे क्रिस्टो का मालिकाना हक क्रेवले परिवार के पास रहा और यह परिवार वर्ष 1948 तक यहाँ रहा। इस दौरान यहाँ कई अनहोनी घटनाएं घटी जिनमें से कईयों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ गया, जैसे एक बच्चे का सीढ़ियों से गिरने पर हुई दुखद मौत, एक नौकरानी के घर के बालकनी से गिरने से हुई मृत्यु और अस्तबल में काम करने वाले एक लड़के की आग जलने से हुई अस्वाभाविक मृत्यु, जैसे कई घटनाएं हैं जिससे यह जगह मनहूस माने जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि मोंटे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाले व्यक्ति का एक बेटा था जिसका नाम हेराल्ड था। वह पागल था और कभी कभी हिंसक हो जाता था, इसलिए इसे लगभग 40 वर्षों तक लोहे के चैन से बांधकर उसके घर में ही उसे बंद रखा गया था। एक दिन लोगों ने देखा कि वह अपनी मर चुकी माँ के शव के साथ लिपटा पड़ा है। इस घटना के बाद उसे पागलखाने भेज दिया गया, जहाँ कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अंततः लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर क्रेवले परिवार ने वर्ष 1948 में उस जगह को छोड़ दिया। इस परिवार के जाने के बाद में भी यहाँ हो रही अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला नहीं थमा। क्रेवले परिवार के जाने के बाद इसे किराए पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मोंटे क्रिस्टो को खरीद लिया और वहीं वे सभी रखवाली के लिए मकान में रहने लगे। परंतु कुछ दिनों के अंदर ही उनमें से एक की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद बाकी बचे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और तब से मोंटे क्रिस्टो वीरान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यहाँ सच में कोई भूत था या फिर भूत के नाम पर मर्डर किए गए? आप अपना सीआईडी वाला दिमाग लगाइए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और कमेंट में आप ये जरूर बता दीजिएगा कि आप इसी तरह के टॉप 10 डेंजरस एंड हॉरर प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो यस या नो जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।